लगातार आप देख रहे हो रैली जो निकल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता सपोर्टर जो यहाँ पर देवेंद्र यादव जी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। और मैं सब जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे हजारों की संख्या जो भीड़ जो चल रही है फिलहाल यहाँ पर, ये ITO का जो इलाका है, आज देवेंद्र कुमार जी यादव जो कांग्रेस अध्यक्ष भी जो शपथ ग्रहण करेंगे। और इसमें इस वक्त मैं दिल्ली में ITO पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप लाखों की हजारों की संख्या में आप जो भीड़ देख रहे हो यहाँ पे, मैं लगातार कहूँगा कैमरामैन से यहाँ की जो फुटेज जो यहाँ की तस्वीरें लगातार वो दे। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, सर नमस्कार, क्या नाम आपका ये बताइए। मेरा नाम सफीक अली है जी। सफीक अली जी, आज यहाँ देवेंद्र यादव जी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहोगे बताइए। बहुत अच्छा खुशी है हम लोगों को, हमारी पार्टी की तरफ से देवेंद्र कुमार जी बहुत जो मेहनती हैं और कांग्रेस पार्टी से बहुत काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, आज उनका अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बनाए, बहुत खुशी महसूस हो रही है हम लोगों को। कुछ महिला एक बात शेयर करूंगा देवेंद्र जी के लिए, मैं मनाली में था, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं मनाली में था उस टाइम और मैंने देवेंद्र जी को फ़ोन लगाया और मेरा माल MCD वालों ने पकड़ लिया था और गोदाम में बंद कर दिया था। तो हमारे विधायक जो सुरेंद्र कुमार दिल्ली के बवाना क्षेत्र के हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाया और देवेंद्र कुमार जी ने को भाई साहब ने फ़ोन लगाया और फिर मेरा माल छोड़ के दिया मनाली के अंदर। मैं देवेंद्र जी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं जी। आपको देवेंद्र जी जो उनकी छवि है लोगों के प्रति वो बहुत ही अच्छी बता रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मोदी सर नमस्कार, कहाँ से आए अभी बताइए। बवाना जे कॉलोनी से। ये बताइए सर, देवेंद्र कुमार जी की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है, आप लोग उनसे क्या क्या उम्मीद करते हो ये बताइए। हम लोग बहुत सारी उम्मीद करते हैं, हमारे जैसे राशन कार्ड का काम हो गया, कितना जिसका राशन कार्ड उसके हमने अप्लाई कर रखा है, 4 साल हो गया अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए बताइए भैया। हम लोग समयपुर वादली से आए। आज देवेंद्र कुमार जी यादव की आज यहाँ पर रैली है, आप लोग से क्या उम्मीद रखते हो बताइए। हमें बहुत उम्मीद है, हमारे भाई साहब भी आएंगे, हमें ये उम्मीद है इस बार कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, इस बार 400 बार का नारा गलत है। गलत है, कुछ भी नहीं होगा, कांग्रेस आएगी इस बार। देवेंद्र यादव से क्या उम्मीद है वो बताइए मुझे पहले आप। हमें बहुत उम्मीद है, हमें हमारे लिए क्या उम्मीद है बताइए। बहुत ज्यादा हर चीज की सुविधा दिया, हर चीज की कांग्रेस। क्या नाम है आपका? हमारा सादा। कहाँ से आए हो? समयपुर से। समयपुर बादली से आए हो? हाँ। आप कहाँ से आए हो? वहीं से आया सर। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको ये बताइए। हाँ, देवेंद्र जी तंगे। देवेंद्र यादव जी हाँ जीत। लगातार यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो लगातार देवेंद्र जी के नारे लगा रहे, वो इस वक्त ये कह रहे कि देवेंद्र जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा वो लगातार लगा रहे। और मेरे पीछे लगातार आप देखो जो यहाँ पे जो भीड़ जो बड़ी हुई है यहाँ पर, लगातार ये दिल्ली की ITO के जो सीन है, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और लगातार मेरे पीछे जो भीड़ आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर। अरे आपको नहीं मानना है।
पहुंचे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देवेंद्र यादव जी एक राजनीतिक परिवार से लड़ते हैं, उनका एक लंबा सफर रहा है, बहुत बेहतरीन इंसान है, वर्कर का हाथ पकड़ते हैं, वर्कर के लिए जान देते हैं, और कांग्रेस के हर कार्यक्रम में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सबका साथ सभी सभी में मिलेगा, ताकि वो कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जय। बहुत धन्यवाद आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल साहब का। हमारे बीच पूर्व सांसद आदरणीय संदीप दीप्ति जी पहुंचे। मैं भाई संदीप दीप्ति जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। संदीप दीप्ति जी यार रह जाओ ना साहब, ऐसे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई देवेंद्र यादव जी, और यहाँ मंच पर बैठे हुए तमाम कांग्रेस के नेता, और इससे ज्यादा जरूरी हजारों की तादाद में आए हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, सबकी तरफ से मैं आदरणीय खड़गे जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज देवेंद्र यादव जी को हमारे बीच में इस युद्ध की और लड़ाई की स्थिति में भेजा है। हमारी तीनों सीटें और इंडिया अलायंस की चारों सीटें इतने ऐतिहासिक जीत से निकलेगी कि लोकसभा में दिल्ली का यहाँ का घंटा बजेगा, और उसके बाद मुझे कोई इस बात पर कहने का हक नहीं है कि 2025 में जो एक कड़ी 2013 की टूटी थी, जब दिल्ली का चुनाव होगा तो आप देखेगा पूरी दिल्ली में हाथ का झंडा उठाऊंगा। देवेंद्र यादव जी आप इसके लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ, पूरा मैं आईसीसी का धन्यवाद करता हूँ, तमाम आम को धन्यवाद। उनका भी स्वागत है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी से कि वो आए और हम सबको अपना संबोधन दें। भाई अनिल चौधरी कांग्रेस पार्टी।
कांग्रेस परिवार का वरिष्ठ परिवार उपस्थित है और फिर आदरणीय श्री अजय माकन जी हमारे कांग्रेस कमेटी के केवल कोषाध्यक्ष नहीं है, हमारी कांग्रेस की पहचान है, सुभाष चंद्र पाटिल, आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी उपस्थित, हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ सांसद भी यहाँ मौजूद हैं। पहली पंक्ति में उपस्थित दिल्ली सरकार का पूर्ण मोर्ची है एआईसीसी के पदाधिकारी का, मेरे विधानसभा में साथी रहे विधायक हैं, मैं इस मौकी के साथ वक्ता बहुत है, कार्यकर्ताओं का जोश है, सबको सुनना चाहते हैं, इसलिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ दिल्ली के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस का लोग मदाहम जी का लोगों को शेर जो आज देश विरोधी ताकतों का डट के मुकाबला कर रहा हूँ, सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। मैं बल्कि दिल्ली के अधिकारों के लिए हमने लड़ाई लड़ी और विधानसभा के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ संतों से लेकर के अनेक आंदोलनों में हम लोग साथ रहे और आज इस विश्वास के साथ आपके साथ के साथ मैं कहना चाहता हूँ देवेंद्र भाई से अच्छी चॉइस इस वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मेरे छोटे भाई अजय माथुर जी, आदर के योग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, आदर के योग अनिल चौधरी जी, मैं सबका नाम सबसे माफी मांगता हूँ, आज माननीय मंच और सभी कांग्रेस की आन बान और शान कांग्रेस के मेरे परिवार के साथ। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ये भी एक इतिहास रचा है देवेंद्र यादव जी ने, शायद आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली में दूसरी बार कोई आदमी जो ग्रामीण से उठकर आज दिल्ली प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने उसका नाम देवेंद्र यादव है। इससे पहले ग्रामीण एरिया से जो बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश बने थे जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। सच्चाई है अजय जी जानते हैं इस बात को, ये बात मैंने असेंबली में भी कही थी, गांव के लोगों का कर्जा है हम लोगों के ऊपर जो हम गुजर के पाकिस्तान से आए थे,
हमारे पास खाने को भी नहीं था, हमारे पास रहने को भी नहीं था। ये कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली के गांव के लोग थे जिन्होंने हाथ खोके अपने सीने से हमें लगाया और आज इस लाइन बनाया कि मैं आपके बीच जेल में खड़ा होकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कमेटी का पूर्व अध्यक्ष होने के दिन आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़े गर्व की बात है और देखो आज आपका आज मुझे बहुत प्रसन्नता। जितना भी कोई सोचे कि मेरे से बड़ा कांग्रेस का लीडर नहीं, ये कांग्रेस उतनी मजबूत होती है जितना कोई चाहता है। ये कांग्रेस हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं छोड़ के जा सकते। सच्चाई ये है कि कौन जानता है कि मेरे परिवार में और कौन से सदस्य हैं? अगर सुभाष चोपड़ा को सुभाष चोपड़ा बनाया, अगर दिल्ली के अंदर नाम किया हम सबका, वो कांग्रेस पार्टी है। उनको सच्चाई है कि मैंने पहली बार जब दविंदर यादव भी चुनाव लड़े तो मेरे को मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से टिकट मैंने दविंदर यादव जी को कांग्रेस में दी थी। मेरा तो बेटा कह लीजिए, क्योंकि मेरी दोस्ती इनके पिता महेंद्र जी से, मैं उनको नमन करता हूँ कि जिन्होंने इतना होनहार बेटा हमें दिया। जो पौधा लगा था आज वो वृक्ष बन गया, वृक्ष भी ऐसा कि सारी दुनिया को छाया देगा, सारी दुनिया के दुख सुख का साथी बनेगा, आप सबके साथ कदम से कदम बनाएगा, बड़ा मिलाकर आगे बढ़ेगा और दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मजबूती से इस चुनाव में और आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करेगा। मैं एक बात और कहता हूँ, ये लोकसभा चुनाव के आम चुनाव नहीं, ये चुनाव है किसकी आवाज बुलंद की थी? राहुल गांधी जी ने आवाज बुलंद की थी बेरोजगारी के खिलाफ, आवाज बुलंद की थी महंगाई के खिलाफ, आवाज बुलंद की थी नफरत को प्यार में बदलने के लिए। आज उसी आवाज का असर है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि दिल्ली के अंदर दो बार मुख्यमंत्री को जेल में रखना पड़ा है। आज हमें संघर्ष करना है, क्या बाबा अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया था उसकी रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम संविधान को मिटने नहीं देंगे और जो उस रुपये बीजेपी है बीजेपी के हैं उनको पूरा नहीं होने देंगे। यही संकल्प लेके मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हम सब मिलकर इंडिया लाइन के जितने भी कैंडिडेट हैं दिल्ली के साथों में साथों उन सबको विजय सिंह बनाएंगे और उन सबको प्यार बनाएंगे और इस देश के अंदर जो नफरत दी फैल रही थी उसको खत्म करेंगे। और मैं पुनः एक बार भी देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे बहुत ही प्यारे और सम्मानित भाई देवेंद्र यादव जी के आज अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर आज हजारों की तादाद में हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज एक ऐसा समय है जब चुनाव भी है और आज एक ऐसा समय भी है जब कांग्रेस के हमारे संगठन पे, हमारी विचारधारा पे, हमारे अपनों ने खंजर से हमला किया है। आज एक ऐसा समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज लड़ाई जो है वो कोई एक अजय माकन की नहीं है, कोई देवेंद्र यादव की नहीं है, आज लड़ाई कोई एक अकेले राहुल गांधी की भी नहीं है। आज अगर लड़ाई है, अगर आज हमको जीतना है तो आज लड़ाई है भारत के संविधान की, और जीतेगा तो भारत का संविधान जीतेगा और हारेगा तो भारत का संविधान हारेगा। आज लड़ाई उस बात की है। आज प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में
भारत का संविधान नक्शुन रहेगा या नहीं रहेगा, आज प्रश्न चिन्ह इस बात का लग रहा है। आज प्रश्न इस बात का उठाया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं का जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जेलों के अंदर बिता दी, उनके द्वारा दिया गया, बनाया गया संविधान आज हमारे देश के अंदर बचेगा भी या नहीं बचेगा, आज प्रश्न इस बात का उठा। लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से, डर से, भय से, लालच से, अगर आज व्यक्तिगत स्वार्थ से कांग्रेस की इस विचारधारा का कत्ल करके अगर छोड़ कर जाते हैं तो आगे आने वाला समय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये इतिहास गवाह है, इस चीज को आप देख लीजिए। आज क्यों हम कहते हैं कि संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से आप अलग से बात कर ले, वो कहता है अगर 400 पार होगा तो संविधान हम बदल देंगे। आप किसी भी भाजपा के बड़े नेता से बात कर ले, वो यही आपको कहे। आज राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि आज हमारे देश के अंदर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ये कैसा देश बन रहा है। आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि सारा का सारा धन अडानी जैसों को, अंबानी जैसों को, मित्र पूंजीपतियों के हाथों में, उनकी जेबों में जा रहा है और हमारे देश का युवा बेरोजगार फिरा फिरा फिर रहा है, छोटे पूंजीपति, छोटे जो बिजनेसेस हैं वो उनका भट्टा बैठता जा रहा है, ऐसा कौन सा देश हमारा चलेगा, आज राहुल गांधी इस बात को कहते हैं। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रश्न देश का है, जब प्रश्न देश के संविधान का है, जब प्रश्न देश के अंदर युवाओं की बेरोजगारी का है, जब प्रश्न हमारे देश के अंदर छोटे छोटे कारोबारियों का है, जब प्रश्न हमारे देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का है, तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प हमारे देश के अंदर नहीं हो सकता। रही बात देवेंद्र यादव जी की, मनोज भाई, देवेंद्र यादव जी को मैंने बहुत नजदीक से 2016 के हमारे 13 कॉर्पोरेशन बोर्डों में उपचुनाव हो रहा था, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात, 13 कॉर्पोरेशन के उपचुनावों में उपचुनाव हो रहे थे, कांग्रेस में दिल्ली के अंदर कांग्रेस 7-8% वोट पे सिमट चुकी थी, वो 13 के 13 कॉर्पोरेशन बोर्ड के अंदर हम 3रे 4थे 5वें नंबर पे थे। हमने चुने हुए नेताओं को एक एक दो दो कॉर्पोरेशन बोर्ड दिया, देवेंद्र जी को शालीमार के अंदर एक कॉर्पोरेशन बोर्ड दिया जिसमें केवल 3% वोट वहां पे कांग्रेस को मिले थे, देवेंद्र जी को मैंने कहा यहां पे 3% मिले आप क्या करेंगे, देवेंद्र जी ने कहा कि आप फिकर मत करिए, मैं अपनी टीम यहां पे लगाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा और इसको जिताऊंगा, मैं कहा जिता देंगे 3% से जिता देंगे। देवेंद्र यादव जी ने 1 महीने लग करके 3% से वहां पे 36% कांग्रेस को लेकर आया। देवेंद्र यादव, मैंने इनके संगठन की क्षमता राजस्थान के अंदर देखी, राजस्थान के अंदर ये सेक्रेटरी बना करके यहां से दिल्ली के इनको भेजा गया 2018 के चुनाव में, सारे सेक्रेटरीज को अलग अलग इलाके दे दिए गए और चारों सेक्रेटरीज को जिनको अलग अलग इलाके दिए गए, बाद में जब चुनाव के बाद में जब नतीजे आए तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी सेक्रेटरी के इलाके में हुआ तो देवेंद्र यादव के इलाके में हुआ। ये देवेंद्र यादव, और जब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनके इलाके के अंदर हुआ तो इनकी प्रमोशन कर दी गई, इनको वर्किंग कमेटी में लेकर के इनको पंजाब का इंचार्ज, उत्तराखंड का इंचार्ज इनको बनाया गया। तो जो व्यक्ति अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जाना जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने वाले देवेंद्र यादव। साथियों, मैं आप सब लोगों से अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, हमने बहुत अच्छे समय देखे,
लगातार जीतते हुए कई कई दशक जीते देखे और हमने अच्छा समय नहीं भी देखा है, कई बार अच्छे समय नहीं देखे हैं, जैसा ये भी एक है। जैसा अच्छा समय नहीं रहा वैसे खराब समय भी नहीं रहेगा। लेकिन जो इस समय में कांग्रेस के साथ में है, आगे आने वाले समय के अंदर उसी का परचम और उसी का झंडा लहराया जाएगा, वही नेता होगा जो आज मुश्किल के दौर में कांग्रेस के साथ में खड़ा है। कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता, हमारी विचारधारा को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की विचारधारा भारत के लोगों की डीएनए में बसी हुई है, ये वापस आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग कांग्रेस के अंदर है वही लोग आगे बढ़कर के कांग्रेस के साथ में रहेंगे। मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अदानी को 5 नोटिस दे दिए हैं ऑफिसर, सबसे पहले पहचानते क्या होने जा रहा है और हमारे पत्रकार बंधु भी जानते क्या होने जा रहा है। जब उन्होंने ये देख लिया कि अब सरकार बदलेगी तो अब सेबी भी अदानी का काम करने जा रही है। भाई देवेंद्र जी, आप सब जानते हैं आप इनके लिए समर्थन देने के लिए आए हैं, हम सब इनके लिए आए हैं। सोनिया जी, राजीव जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब का धन्यवाद किया, मैं तो केवल एक आदमी का धन्यवाद कर रहा हूँ, एक आदमी का धन्यवाद, और वो धन्यवाद कर रहा हूँ माकन साहब का जिन्होंने हीरे को पहचाना। आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तरीके से आप साफ दीजिए, 7 सीटें यहाँ भी आएंगी और हिंदुस्तान में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। हमारे सामने माननीय त्रिभुवन दास जी खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सदा आशीर्वाद मिलता है, और ये भी यदि आ गए तो समझो कि पूरा देहात आ गया। धन्यवाद। लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका